हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे हो गए। बच्चों, आज ही आपके लिए देखिए क्लास 8th का और जो आपका एक्सरसाइज है, आज मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप लोगों को मैं MCQ करवाऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन समझाते हुए आपको अच्छे से करवाता हूँ। आइए देखिए किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले तो अभी तक मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया है और इस चैप्टर की सारी वीडियो आप लोग को यहाँ पर आपके YouTube चैनल अभी जस्टिफाई क्लासेस पर दिख जाएगा। जिस किसी ने भी चैप्टर को नहीं देखा है तो आप जाओ उधर, आपको इस चैप्टर के बारे में सारा कुछ सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्या है, कह रहे हैं नेम एनी टू एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क। किसी भी दो ऐसे जानवर का नाम बताना है जो हमें क्या करता है, मिल्क प्रोवाइड करता है। देखिए इसको आप आराम से लिख सकते हैं, क्या है इसमें आपको मिलेगा, पहला तो होता है काऊ, और अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो इसमें कोई दो पूछ रहा है तो एंड करके आप लिखिए गोट, GOAT। ठीक है, काऊ एंड गोट आप लिख सकते हैं पहले का आंसर। दूसरा आपके सामने दे रखा है यहाँ पर, देखिए, और मैं आपको लास्ट में इन सब का आंसर भी आपको मैं अपने हाथ से लिखा हुआ आंसर आपको दे दूँगा। हाँ, माना कि इसका आंसर आपको पीछे लिखा हुआ है आपकी बुक में, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर मैच करे, हम किसी और को भी आंसर दे सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि अलग भी आंसर देने की। ठीक है, तो और देखते हैं, एनी नेम द कॉमन एनिमल्स विच प्रोवाइड अस एग एंड मीट। तो ये कौन सा होगा, अगर एग और मीट की बात करिए तो देखिए आपके सामने है हेन, है ना। तो हेन जो होता है वो आपको एग और उसके साथ साथ मीट दोनों देता है ना, मतलब अंडा भी देता है और मांस भी देता है। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, फूड का मेन सोर्स क्या है। तो अगर आप कहोगे फूड का मेन सोर्स यहाँ पर क्या है, बताइए जरा सा, अगर आप दिमाग लगाइए और दिमाग लगाकर बताइए फूड का मेन सोर्स है क्या। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपको मिल रहा है, प्लांट एंड एनिमल। आप थर्ड वाले का पॉइंट का आंसर लिख सकते हैं, प्लांट PLANT, प्लांट एंड एनिमल ANIMAL। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल। देखिए यहाँ पर उतना अच्छे से लिखा हुआ नहीं दिखाई देता होगा, बट आप लोग जो है, अभी मैं इसके बाद में लास्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को इसकी सारे के सारे आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आप ये काम करना, इसको लिखने के बाद उसको बाद में उस स्लाइड से सारे आंसर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बाकी मैं समझा रहा हूँ, समझाते हुए सारा आंसर बताऊँगा। फिर कह रहे हैं व्हाट आर, अच्छा ये हो गया थर्ड वाला, नेम एनी 5 प्लांट पार्ट्स विच आर यूज्ड एज फूड। तो आप देखो इसमें क्या हो सकता है, स्टेम होगा, है ना, इसमें क्या हो सकता है आपका, स्टेम है, और क्या है अगर आप और देखो तो लीव्स है, LAVES लीव्स है, और अगर आप देखो तो रूट भी आप लोग क्या करते हो, भोजन में यूज करते हो, है ना, और अगर आप देखो तो फ्रूट FRUITS फ्रूट्स भी आप यूज करते हो, है ना, और अगर आपको बताऊँ एक और फ्लावर्स FLOWERS फ्लावर्स, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं जो यहाँ पर, मतलब हमें ऐसे के सारे ऐसे हैं जिनका हम यूज करते हैं फूड के रूप में। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है, नेम टू प्लांट्स हुज स्टेम्स आर यूज्ड एज फूड। किसी भी दो प्लांट का नाम बताइए जिसके स्टेम को यूज हम करते हैं एज फूड। तो ओनियन एंड पोटैटो, है ना, यहाँ पर आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ओनियन ONION ओनियन एंड पोटैटो POTATO पोटैटो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं नेम टू प्लांट्स हुज लीव्स आर ईटन एज फूड। कह रहे हैं दो प्लांट का नाम बताओ जिसके लीव्स को आप एज ए फूड यूज करते हो खाने के लिए। तो क्या है इसमें, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कह सकते हो स्पिनच SPINACH स्पिनच, एंड क्या हो सकता है, फ्लावर्स ऑफ बनाना, अगर आप कर दो फ्लावर्स FLOWER फ्लावर्स ऑफ बनाना BANANA। ठीक है, ये दो हैं जिनका आप यूज करते हो एज अ फ्रूट, है ना, मतलब एज अ फूड। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, नेम टू फ्लावर्स विच आर ईटन एज फूड। किसी दो फ्लावर का नाम बताओ जिसे आप खाने के रूप में लेते हो। तो देखिए आपके पास आंसर है कौन सा, सनफ्लावर FLOWER सनफ्लावर है, और अगर आप लिखना चाहो दूसरा तो है जैस्मिन। ये आंसर आपको पीछे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, है ना, तो ये हो गया, लिख लेना इसे आप लोग।
इसके बाद कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेम फाइव टाइप्स ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज फॉर मेकिंग फूड। किसी फाइव टाइप्स ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट, पांच प्रकार के सीड्स का नाम बताना है जिसका यूज हम करते हैं खाने बनाने में, मतलब क्या करने में, खाने में उसका यूज करते हैं, मतलब फूड के ऐसा उसका यूज करते हैं। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। तो 10 में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फाइव टाइप्स ऑफ सीड का यूज। अच्छा, राइस हो गया है ना, और उड़द दाल हो गया, साल्ट, और क्वेश्चन नंबर ये वाला जो था इसका नेम फाइव टाइप्स ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। हाँ तो बच्चों, आपको देखिए इसका आंसर, आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 10 वाला है, तो 10 का एग्जांपल आपको आंसर है वीट, मैजे, राइस है ना, पीस, पल्सेस, ये सब के सब क्या हैं, बीज है जिसका यूज हम खाने के रूप में करते हैं। फिर कह रहा है नेम द प्रोसेस इन विच सीड्स लाइक मूंग एंड चना आर अलाउड टू जर्मिनेट टू ऑब्टेन मोर न्यूट्रिशंस फूड। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आपको है स्प्रॉट्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का SPROUTS स्प्रॉट्स, ठीक है, ये टी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं इडली को बनाने के लिए मेजर इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। इडली के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12 है। तो आप देखिए इडली के लिए आपको होता है राइस, है ना, और क्या ज़रूरत होता है, उड़द की दाल, और क्या चाहिए आपको, साल्ट, और आपको चाहिए वाटर, WATER, इतना चीज़ आपको चाहिए होता है इडली बनाने के लिए। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। कह रहे हैं कि तीन तरीके से हम क्या करते हैं, एनिमल्स को डिवाइड किए हैं उनके खाने की हैबिट्स के अकॉर्डिंग। तो वो कौन सा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का है व्हाट इज़ द यूजुअल नेम ऑफ दोज एनिमल्स। कह रहे हैं यहाँ पर वही चीज़ है कि जो लोग दूसरे एनिमल्स को खाते हैं व्हाट इज़ द यूजुअल नेम ऑफ दोज एनिमल। जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस, विच ईट प्लांट ओनली, प्लांट वाले को खाली बोलते हैं कार्निवोर, और जो दोनों खाते हैं थर्ड वाला, सी वाला जो ऑप्शन है 14 का सी, इसका आंसर है आपका ओमनीवोरस। फिर कह रहे हैं नेम एनी फाइव फूड प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। किसी पांच फूड प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि मिल्क से बनते हों, ठीक है, कर्ड हो गया, ची हो गया, पनीर हो गया, खीर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। विच टर्म इन द फॉलोइंग इंक्लूड द अदर थ्री। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो कि सब में कॉमन है, कुछ किंगफिशर, ड्रैगन फ्लाई, कार्निवोरस, स्नैक। तो देखिए ये सब के सब हैं क्या, जितने भी किंगफिशर हैं, ड्रैगन फ्लाई हैं, स्नैक, ये सब हैं कार्निवोरस। तो आंसर है इसका कार्निवोरस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर फिल करना है डैश द मिल्क विच वी ड्रिंक कम्स बिफोर फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट। यहाँ पर होगा मिल्क, ठीक है, कह रहे हैं मिल्क ही ऐसा ड्रिंक है जो कि हमें काउ, बफेलो और गोट तीनों से मिलता है। मिल्क इज एन कैसा है, ये एनिमल प्रोडक्ट है ना। शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड, शुगर कहाँ, जो शुगर क्या है, किससे पाया जाता है, शुगर कैन से। द मेजर सोर्स ऑफ फूड आर, फूड के लिए मेजर सोर्स क्या है, प्लांट एंड एनिमल। बीज मेक, इसमें क्या हो जाएगा, हनीकॉम्ब है ना, फ्रॉम नेक्टर ऑफ द फ्लावर। फिर कह रहे हैं कि टाइगर ईट्स ओनली मीट, तो इट इज़ ए टाइगर सिर्फ मीट खाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, कार्निवोरस है ना। फिर कह रहे हैं कि अच्छा एफ वाला हो गया कार्निवोरस। फिर कह रहे हैं जो जी है डियर ईट्स ओनली प्लांट, सो इट इज़ ए हर्बीवोरस। फिर कह रहे हैं ओमनीवोरस क्या है कि नहीं, थर्ड एच वाला, ह्यूमन बींग्स ईट प्लांट्स प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल्स, सो दे आर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट और प्लांट के साथ साथ
मीट भी खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। पैरोट्स ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, जो तोता होता है सिर्फ प्लांट का प्रोडक्ट खाता है। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए इसको आप लोग जो है कर लीजिए अपना, बाकी इसका आंसर मैं आपको सीक्वेंस में करके यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने सोचा था आज MCQ भी करवा देता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि चलो आओ करवा देते हैं, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है वैसे, है ना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाने में मज़ा नहीं आता है, है ना। तो ठीक है, मैं एक एक करके सबका आंसर जो है बोल देता हूँ, आप लोग जो है मार्क कर लीजिए। रुकिए, ठीक है बच्चों रहने दो, हम जो है अगले टॉपिक में उसको लेकर के आता हूँ। यहाँ पर एड्स वगैरह काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। देखते हैं कुछ अगर मिल जाता है तो, अभी हाँ मिल तो गया MCQ वाला। हाँ यही तो है आपका MCQ, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूड प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा फूड प्रोड्यूसर नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आपका पहला है ग्रास गोफर, सी ऑप्शन है। इसके बाद जो है 36 वाला देखिए, ग्रास 36, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेम्स इज नॉट ए कंज्यूमर, इनमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं है, तो ग्रास ऑफर। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर नॉट यूज फॉर मेकिंग स्प्रोट्स इन आवर हनी इन आवर होम्स, कह रहे हैं इनमें से कौन सा हम यूज करते हैं स्प्रोट्स को अपने घर में, तो यहाँ पर है मक्का, जिसका यूज नहीं करते यहाँ पर, है ना, आर नॉट यूज मक्का। फिर कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल, इनमें से कौन सा एनिमल से नहीं मिलता, ऑप्शन सी मैजे, है ना। फिर वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम ऑफ इट्स पैरेंट प्लांट, इनमें से कौन सा पैरेंट प्लांट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम, पैरेंट प्लांट का स्टेम नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका 39 का है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, अच्छा सी वाला ऑप्शन। 41 ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ टू पार्ट्स विच कैन बी ईटन एज फूड, दिस प्लांट इज कॉल्ड, अच्छा ऐसा प्लांट जिसका दो पार्ट्स हम खाने में यूज करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, है ना, क्वेश्चन नंबर 40 का सी है। 41 वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टेक्स ओनली लिक्विड फूड, दिस एनिमल इज, ऐसा मतलब वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल्स है टेक्स ओनली लिक्विड फूड, जो सिर्फ लिक्विड फूड्स को खाता है। 41 का है बटरफ्लाई, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज फूड इज नॉट ए रूट ऑफ इट्स पैरेंट प्लांट, इनमें से कौन सा पैरेंट प्लांट का रूट नहीं होता है, 42 का है ओनियन, ठीक है सी ऑप्शन। फिर कह रहे हैं द लीव्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट ईटन एज फूड, कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका लीव्स हम खाने के रूप में नहीं यूज करते, तो मैंगो है ना, बी ऑप्शन। द फ्लावर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नॉट ईटन एज फूड, इनमें से कौन सा हम फूड के रूप में यूज नहीं करते हैं फ्लावर्स को, कौन सा फ्लावर्स है, 44 का है ये आपका सी वाला मतलब ऑप्शन, है ना, बैगन मिला। फिर कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्बी बोरस, इनमें से कौन सा हर्बी बोरस है, 45 का है आपका बी ऑप्शन जो है कैमल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोरस, इनमें से कौन सा कार्निवोरस है, वो है लायन, है ना, डी ऑप्शन। फिर कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओमनीवोरस, इनमें से कौन सा ओमनीवोरस है ना, ये कौन सा, 47 है, 47 का आपका हो जाएगा हेन, ठीक है, चलिए ए ऑप्शन। बफेलो इज ए, बफेलो क्या है, 48 का आपका होगा हर्बीवोरस, है ना, बफेलो बी ऑप्शन। फिर कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट इज पोटैटो विच वी ईट एज ए वेजिटेबल, इनमें से कौन सा पेरेंट प्लांट का पार्ट है, है ना, विच पार्ट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट इज पोटैटो, अच्छा पोटैटो किस पेरेंट प्लांट का पार्ट है जिसे हम एज ए सब्जी यानी वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, एज ए वेजिटेबल उसे हम फूड के रूप में यूज किया करते हैं। 49 तो आपका होगा इसमें स्टेम, है ना, डी ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये ऐड तो काफ़ी ज़्यादा कर दे रहा है, यानी ये टेक्नोलॉजी अब मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है देखते हैं, क्योंकि कितना ज़्यादा ऐड आएगा फिर कैसे काम चलेगा, है ना। देखिए हर स्टेप पर ये ऐड दे रहा है, ये तो आंसर है, बच्चों ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा मुझे अब,
अच्छा बच्चों, ये आंसर है, इसे आप लोग जो है कॉपी में अपने स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर करके इसे जो है आप लोग लिख लो, है ना। यहाँ देख लेना 54 मैंने लास्ट में किया है, इसके बाद 52 किया है ना, तो वो देख लेना 51 के बाद 52 यहाँ पर कर दिया है, फिर 53, 54 और 55 यहाँ पर है, सबका आंसर मैंने लिख रखा है, इसे आप लोग कॉपी कर लो। अच्छा हटा दो, लो हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया। चलो ठीक है, आ जाओ और देखता हूँ, एक ऑप्शन और मैंने यहाँ पर लिया कर रखा था, बहरहाल मिल नहीं रहा, और देखता हूँ यहाँ से उठाता हूँ ऊपर से। तो लीजिए, यहाँ से उठा दिया, अब ये भी आप फ़ोटो ले लीजिए एक एक करके सबका, मैं इसको बिठाता हूँ आंसर वाला, ठीक है। सारे बच्चों सबका आंसर हो गया, ठीक है, सारे क्वेश्चन भी हो गए, अब चलता हूँ इसी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं बार नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ शायद।